आज मैं आपके साथ ऑरेंज केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे हम कोई ऑरेंज का पल्प यूज़ नहीं करने वाले हैं या फिर कोई पाउडर यूज़ नहीं करने वाले हैं। आप खुद ही देखिए कि केक कितना स्पंजी, टेस्टी और साथ में पफी बना हुआ है। हम इसे बनाने वाले हैं ऑरेंज जूस के साथ। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें लेने हैं यहाँ पे फ्रेश 2 ऑरेंज। सिर्फ 2 ऑरेंज से बनाएंगे हम। सही से मेजरमेंट बताऊंगी जिसमें यहाँ पे 1/2 किलो केक बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले ऑरेंज को धोकर लेना है और इसे ना इस तरह से खींच कर लेना है। तो ऊपर वाला छिलका खींच कर लेने से ना केक में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ऐसा नहीं है कि ये कड़वा हो जाएगा या फिर कुछ और। सिर्फ 1 से 2 चम्मच हमें यूज़ करना है, इससे इसका स्वाद बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। केक को और भी ज़्यादा क्रंची बनाने का काम करता है। तो लीजिए, यहाँ पे 1 से 2 चम्मच यहाँ पे ऑरेंज के छिलके खींच कर हो गए हैं। अब इसे रखते हैं साइड में। अब लेंगे यहाँ पे एक बड़ा सा बर्तन। यहाँ पे एक बर्तन में मैंने तेल डाल कर ली हूँ। ये 4 से 5 टेबलस्पून तेल है। उसी के अंदर मैं यहाँ पे एक अंडा डाल रही हूँ। आप चाहे तो अंडा स्किप भी कर सकते हैं, बिना अंडे के भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक ही यूज़ कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से फिट कर लेंगे। पफी होने तक फिट कर लेना है। यहाँ पे हमें 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। तो देखिए किस तरह से पफी हो गया है। इस तरह से पफी होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पाउडर शुगर। तो 1/2 कप पाउडर शुगर ले रही हूँ। आप कोई भी 1 कप का मेजरमेंट सेट कीजिए जिससे आपको आसानी हो। तो पाउडर शुगर ही यूज़ करना है। अगर आप नॉर्मल शुगर यूज़ करेंगे तो पिघलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब इसे भी अच्छे से फेट कर लेंगे पफी होने तक। ध्यान रहे, चीनी पूरी तरह से पिघलनी चाहिए, नहीं तो ना ये खाते वक्त क्रिस्टल जैसी लगेगी। अब इसमें डालेंगे जो हमने ऑरेंज के छिलके छिलकर लिए हैं, वो डालेंगे 1 से 2 चम्मच। अब उसी के साथ जो ऑरेंज थे, ऑरेंज का जूस निकाल कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से नींबू जिस तरह से हम जूस निकालते हैं उस तरह से निकाल सकते हैं, या फिर आपके पास कोई और जुगाड़ है तो उससे आप उसके जूस निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से ये कड़वा नहीं लगेगा। आप चाहे तो इसका पल्प निकालकर मिक्सी जार में लेकर पीस भी सकते हैं और उसके बाद छान कर ले सकते हैं। तो मैंने ये सिंपल सा तरीका यूज़ किया है। इस तरह से जूस निकाल कर ले लिया है। अब इसे छान कर डालेंगे। उसी के साथ यहाँ पे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा लेंगे। 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम यहाँ पे बेकिंग पाउडर लेंगे और इन सबको भी मिक्स करेंगे फटाफट से। बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को अच्छे से एक्टिव होने देंगे। 1 से 1.5 मिनट तक इसे ऐसे ही फेंकते रहेंगे। फिर डालेंगे हम अब इसमें मैदा। तो यहाँ पे मैं 1 कप मैदा ले रही हूँ। उसी से मैंने यहाँ पे 1/2 कप चीनी ली थी। ये परफेक्ट मेजरमेंट ध्यान में रखिए। आप जितना कप मैदा लेंगे उसका 1/2 आपको चीनी डालकर लेना है। अब मैदा डालकर भी इसे अच्छे से फेट कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। यहाँ पे ये सारी चीज़ें पफी होनी चाहिए, तभी केक पफी बनता है, टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देखिए इस तरह से बन गया है। अगर आपको यहाँ पे फूड कलर चाहिए तो आप ऑरेंज फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं। बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर का यूज़ कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं। इसे भी मिक्स करके लेंगे। तो देखिए इस तरह से बैटर बनने के बाद ना ऊपर जब हम इसे उठाएंगे तो नीचे इसके इस तरह से लेयर्स आने चाहिए, इतना हमें इसे फेट कर लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है पतीला। तो मैं पतीले में बताने वाली हूँ आपको किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे बटर पेपर या फिर आप कोई पेपर ले सकते हैं और इस तरह से इसे मार्क कीजिए ताकि ये पतीले के साइज़ का हो जाएगा। या फिर आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप इस तरह से इसे उल्टा रख कर भी नाप ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इसे नाप लेकर थोड़ा सा ज़्यादा ही कट किया है और उसी के साथ यहाँ पे मैंने इसे तेल से ग्रीस करके अच्छे से सेट करके ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे बनाया हुआ बैटर। इसे डालकर अच्छे से टैप करके लेना है ताकि इसके अंदर कोई लम्ब्स ना रहे। तो ये वाली जब प्रोसेस हम करते हैं उसके पहले ही हमें एक बड़ा सा पतीला लेना है जिसके अंदर ये छोटा वाला पतीला आराम से जा सके, और उसे प्री हीट करने के लिए रख देना है गैस की फ्लेम लो पे करके 2 से 3 मिनट के लिए। अब इसके अंदर डालेंगे एक जाली। जाली डालकर हम ये छोटा वाला पतीला इसके अंदर रख देंगे और गैस की फ्लेम हाई पे करेंगे और इसे ढककर पकाएंगे। सिर्फ 2 मिनट के लिए गैस की फ्लेम हाई पे करनी है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, पतीला फिर से प्री हीट हो जाए। उसके बाद गैस की फ्लेम लो पे करेंगे और इसे 30 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। बीच बीच में बिल्कुल भी चेक नहीं करना है। तो देखिए 30 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ। तो देखिए कितना पफी बन गया है। अब हम इसे पतीले में से बाहर निकालेंगे और ठंडा होने देंगे। 5 से 10 मिनट के अंदर ये ठंडा हो जाएगा। तो देखिए ये ठंडा हो गया है और इसका बटर पेपर बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये लीजिए यहाँ पे टेस्टी और बहुत ही बढ़िया सा केक बनकर तैयार है। आप इसे एक बार मेरे तरीके से ज़रूर से बनाकर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।